हम आपको पेस्ट स्पेशल की कई सारे तरीके सिखाएंगे। उससे पहले एक छोटा सा डेटा ले लेते हैं, क्योंकि डेटा रहेगा तो आपको सहूलियत रहेगी। नेम रोल जितिन जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हम सीख रहे हैं, पेस्ट स्पेशल के ऊपर सीख रहे हैं। जिसमें बेसिकली पेस्ट स्पेशल आप यूज करते हो ना, तो उसमें आपको एक अलग चीज, एक अलग चीज जो यूजफुल होती है, जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं। एक मैं छोटा सा डेटा बना लूंगा, क्योंकि छोटे डेटा पे आपको इफेक्ट समझ में आएगा कि इफेक्ट क्या है। तो आज फॉर्मेटिंग ही कर लेता हूं। नॉर्मल कॉपी पेस्ट तो हम करते ही हैं। नॉर्मल कॉपी पेस्ट में क्या होता है कि जहां से हमने कॉपी किया वहां पे हमने पेस्ट कर दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारा मतलब कि डेटा में क्या लेना है क्या लेना है, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं। जैसा चाहिए वैसा हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं जहां पे चाहिए, तो सेम टू सेम हम जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लेकिन पेस्ट स्पेशल हमें अलाउ करता है कि आप जो कॉपी कर रहे हो उसका कुछ एक पार्ट आप पेस्ट करो। पार्ट आपको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ पार्ट को पेस्ट कीजिए। ठीक है सर, जैसे कि मैं सिर्फ बॉर्डर पेस्ट करना चाहता हूं या सिर्फ एक वैल्यू पेस्ट करना चाहता हूं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमें पूरा डेटा नहीं चाहिए। तो उस केस में हम पेस्ट स्पेशल यूज करते हैं। तो कुछ बोलना है क्या? आपकी आवाज भी स्लो आ रही है। किसकी सर? बीच में से कोई और आवाज आ रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इस पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो पेस्ट जनरली कॉपी सी और कॉपी कंट्रोल सी या कंट्रोल वी क्या करता है? कि आपको जैसा डेटा है वैसा पेस्ट कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ वैल्यू पेस्ट हो या सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट हो, तो पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट एज ए फॉर्मूला, जस्ट फॉर्मूला पेस्ट होगा। जस्ट पेस्ट इज स्पेशल एज ए वैल्यू, कॉपी करते हैं, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए वैल्यू, जस्ट आपका वैल्यू पेस्ट हो। अब बोलेंगे सर दोनों में डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है? डिफरेंस है। पेस्ट जब हम फॉर्मूला करते हैं तो क्या करता है, फॉर्मूला बार का जो चीजें होता है वो कॉपी करता है। जैसे यहां देखिए फॉर्मूला में फॉर्मूला था, जैसे फॉर्मूला में जो दिखता है जस्ट उसी को पेस्ट कर देता है। लेकिन पेस्ट एज वैल्यू क्या करता है, जो कंटेन होता है उसको पेस्ट कर देता है। मतलब कि कहीं पे आपको डेटा है इसकी फॉर्मूले को रिमूव करना चाहते हो, चाहते हो कि जो फॉर्मूला है रैंडम फॉर्मूला क्या करता है, रैंडम नंबर देता है दो नंबरों के बीच में, जस्ट लाइक पासवर्ड, तो हर बार चेंज होता जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ये जो यहाँ आपका जो यहाँ पे ये दिया हुआ है जो नंबर है, इस नंबर को मैं रिमूव करना चाहता हूं। उस केस में हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी इसी के ऊपर, अब तो जी अब डाउनलोड कर लीजिए। अब देख बोले सर, आप और कहेंगे कि तुम यार कर लो।
जी सर, सॉरी सर, 2 मिनट के इंटरप्ट हो गया। और तो यहाँ पे आपने देखा कि जब हमने पेस्ट एज ए वैल्यू के वैल्यू आया, तो कहने का मतलब ये था कि मैं फॉर्मूला को रिमूव करना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला को रिमूव करने के लिए हम कॉपी करेंगे इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यू कर देंगे। जैसे पेस्ट स्पेशल एंड वैल्यू करेंगे, आप देखिएगा कि आपका यहाँ पे ये जो फॉर्मूले दिख रहे हैं सारे के सारे फॉर्मूले रिमूव हो गए। रिमूव हो गया, ठीक है सर, ठीक है। तो अगर आपको किसी किसी इससे डेटा से आपको फॉर्मूले रिमूव करनी हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कॉपी करो, उसी के ऊपर जाओ, राइट क्लिक करो, पेस्ट स्पेशल, अपना फॉर्मूला रिमूव करो। ठीक है सर, अब मुझे अगर पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए चाहिए, फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं कॉपी करूंगा इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे पेस्ट एज ए फॉर्मेट। कमेंट क्या होता है कि किसी ने प्लीज अशोक जी मीन आपको तो इंसर्ट कमेंट हम करते हैं, तो क्या होता है कि इसमें एक कुछ भी एक रिलेशन रिलेटेड चीज डाल देते हैं ताकि जब कर्सर इस पे जाता है दिखता है, कर्सर हट जाता है नहीं दिखता, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम डालने के लिए इसका यूज करते हैं। हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और किसी अदर जगह पे मैं चाहता हूँ जस्ट कमेंट पेस्ट हो, बाकी चीजें पेस्ट ना हो, तो सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे हम कमेंट सिलेक्ट करेंगे। कमेंट सिलेक्ट करके जैसे ओके करेंगे तो बाकी डेटा वगैरह नहीं आएगा, जस्ट मेरा कमेंट आएगा। इन फ्यूचर कहीं कमेंट डालना हुआ तो इसका यूज कर सकते हो। एक चीज और आती है नो बॉर्डर, मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस पर कर्सर रखा, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसमें हमारे पास एक आता है ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर। इसमें क्या होगा, सब कुछ पेस्ट करेगा, बॉर्डर पेस्ट नहीं करेगा। आप यहां से भी नीचे जाओगे तो नो बॉर्डर आता है, नो बॉर्डर यूज भी कर सकते हो, सब चीज आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। और एक और खास चीज होती है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग रिपोर्ट को अपने हिसाब से, जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं उसकी प्रिंट आउट के हिसाब से प्रिंट आउट निकालने होते हैं, तो उसके लिए हम कॉलम को छोटा बड़ा एडजस्ट करके एक प्रिंट में एक पेज में प्रिंट हो, ऐसा हम लोग इसको कर लेते हैं। लेकिन जब इसको कॉपी करके किसी अदर शीट पे जाके पेस्ट करते हैं, जैसे कि मैं यहां पे मैं शीट टू पे जा रहा हूं, और शीट टू पे मान लीजिए आपका कॉलम जो हो बड़ा हो, जब मैं पेस्ट करूंगा तो उसी बड़े कॉलम में जाएगा। मतलब कि जब भी आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो आपकी डेटा का जो सोर्स डेटा है जहां से आपने कॉपी किया है उसका जो कॉलम की विड्थ है वो कॉलम की विड्थ पेस्ट नहीं होती है। जिसका प्रॉब्लम ये होता है कि मुझे दोबारा से हमें क्या होता है कि कॉलम विड्थ को सेट करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम है कि हमने एक पेज में प्रिंट आउट सेट कर दिया तो यहां भी दोबारा वही मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप चाहते हो कि जहां से सोर्स है हमारा, जहां से हमारा डेटा कॉपी हुआ है, उसकी जो कॉलम की साइज है वो कॉलम की साइज भी यहां पर पेस्ट हो, तो उसके लिए सिंपल है, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट स्पेशल और इस पे कॉलम विड्थ सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। एक चीज क्लियर रखिएगा आप लोग, एक चीज यहां पे याद रखिएगा कि जब भी आप पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ करते हैं तो जस्ट कॉलम की विड्थ आता है, डेटा नहीं आता है। डेटा के लिए दोबारा आप नॉर्मल पेस्ट कर लीजिए या फिर पहले नॉर्मल पेस्ट दोबारा कॉलम विड्थ कर लीजिए। तो पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ अगर आप करते हो जस्ट कॉलम की साइज आएगी। अंकुर जी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा सर।
कोई टॉपिक रिपीट करवाना हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, तो यहां पे अगर हम बात आगे चलते हैं, अर्पित जी, जितेंद्र जी प्लीज म्यूट कर लीजिए, आवाज इको आ रही है, आप वो हेडफोन यूज नहीं कर रहे हो, मैंने बताया था कर। सेलफोन का है तो हेडफोन यूज कर लीजिए, मोबाइल के लीड यूज कर लीजिए, वो भी चलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज हमने किया। एक चीज और आती है, चलिए एक चीज और हम देखते हैं। जनरली आपको जो पेस्ट, एक मान लीजिए आपके डेटा में डेट होता है, जैसे मैं मान लीजिए कि आज ही का डेट डालता हूँ 22 अक्टूबर, और इसकी इसकी फॉर्मेटिंग अगर हम लोग करते हैं, जब इसको कॉपी करके किसी अदर लोकेशन में हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट स्टेशन में जनरली हम लोग वैल्यू पेस्ट करते हैं ताकि, या फॉर्मूला करते हैं ताकि हमारा फॉर्मेटिंग वगैरह या फॉर्मूला वगैरह हट जाए, जैसे ओके करते हैं, तो डेट जो है सिस्टम यहाँ पे आते आते जब कॉलम एच में जब पेस्ट यहाँ पे पेस्ट करते ही आपका क्या होता है कि वो नंबर में कुछ कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे टाइम होता है और डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, तो डेट नंबर में और टाइम आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है, ये जो बता रहा हूं आपको, कि सबसे पहले आप जाने की ये नंबर क्या है, 41873 आखिर में है क्या। बेसिकली ये जब भी हम डेट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहां पे टाइप किया 1 जैन 2014, तो हमने टाइप तो ऐसे किया है, लेकिन एक्सेल अपने पास जो रिकॉर्ड करता है वो करता है कि कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है और जब तक का डेट डाला तब तक कितने नंबर ऑफ डेज है, डेज में कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूटर कैलेंडर बना कब से, 1 जैन 1900 से। अब इसका प्रूफिंग करना हो तो सिंपल सा 1 लिखा हमने, अगर इस 1 के ऊपर मैं कोई भी डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दूं, जैसे मैंने डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया है शॉर्ट डेट का, तो देखिए ये बन गया 1st 1900। अगर मैं यहाँ पे 32 टाइप करूं तो हो जाएगा 1st 1900, फाइव आ गया। अगर मैं इसमें 367 टाइप करूं 367, तो 1st जैन 1900 हो जाएगा। 700 टाइप करो 800 आ गया। इसी तरीके से अगर 41640 करते हैं तो ये आपका डेट बन जाता है। तो जो रिकॉर्ड होता है एक्सेल के अंदर में डेट को एज ए नंबर ऑफ डेज होता है। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मैथमेटिकल ट्रिक्स कहती है कि आप किसी भी नंबर के सर्च में 2 और यहाँ पे 2 लिखा और ए लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया, तो किसी भी टेक्स्ट में किसी भी अल्फा न्यूमेरिक को आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, मतलब किसी भी टेक्स्ट के साथ आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। तो अगर हम डेट, अगर डेट के फॉर्मेट में होगा, अगर मैं इस पे 30 जोड़ू तो 30 इसमें प्लस हो जाता है, प्लस हो गया। ऐसा तो भाई ये जो स्लैश है, स्लैश भी तो एक टैक्सी हुआ ना, टैक्सी ले लेते हैं यहाँ पे 1 जैन, इसमें भी आप टाइप करोगे तो टाइप हो जा रहा है, क्योंकि भाई ये तो जैन है, जे तो टैक्स होता है। तो बेसिकली जो ये जो कैलकुलेशन आपको ये दिख रहा है 1st जैन 1900, ये फॉर्मेट है, सिर्फ विजुअलिटी के लिए ऐसा है। इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू 41640 है, जो प्लस 30 हो रहा है वो 41640 कर रहा है, लेकिन जो डेट का फॉर्मेट, फॉर्मेट लगने वाला जो फॉर्मेट है, जो इंटरप्रेटर है, जो इंटरप्रेट करता है डेट के साथ, वो क्या करता है इसको कन्वर्ट कर देता है डेट के फॉर्मेट में। विजुअल डेट होता है, लेकिन एक्सेल अपने पास जो ओरिजिनल रिकॉर्ड रखता है वो 41640 का ही रिकॉर्ड रखता है, एक कैलकुलेशन के लिए किया गया है। तो जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज वैल्यू क्या का क्या रोल है कि किसी भी तरह का फॉर्मेट को हटा देना। तो डेट भी तो एक फॉर्मेट है, डेट का जब फॉर्मेट अप्लाई करते हैं यहां से, जब नंबर फॉर्मेट में या फिर आप यहां से डेट का जो फॉर्मेट अप्लाई करते हो, ये तो एक तरह से फॉर्मेट ही है ना, तो एक फॉर्मेट को रिमूव कर देता है, इसलिए जनरल फॉर्मेट में चला जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मैं पेस्ट करूं लेकिन सब चीज ना आए, जैसे कि फॉर्मूले ना आए, आपका सब तरह की फॉर्मेटिंग ना आए, बॉर्डर नहीं आए, कमेंट नहीं आए,
सिर्फ आए क्या, तो वैल्यू आया लेकिन नंबर के फॉर्मेट में, मतलब डेट टाइम कॉमा इसे जो नंबर की फॉर्मेटिंग है वो रखे, उसको हटाए नहीं। तो उस केस में आप वैल्यू की जगह वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट या फॉर्मूले की जगह पे फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट यूज कर सकते हो। तो जब वैल्यू नंबर फॉर्मेट किया तो सब चीज आया, सिर्फ नंबर की फॉर्मेटिंग यहां पे देख रहे हैं नहीं आई है। पेस्ट एज ए नंबर फॉर्मेट में आपको कोई डाउट है, अगर आप रिपीट करना चाहते हो कोई टॉपिक तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जतिन जी कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं सर। गुप्ता आरपी जी आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें? ओके तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पेस्टिंग के बात हो गई, अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की। अब एक जनरली देखिए, जिसमें यहां पर 20 लिखा है, यहां पे मैंने 25 लिखा है, अगर मैं इस 20 को कॉपी करके इस पे पेस्ट करूं, चाहे पेस्ट स्पेशल में वैल्यू करूं, फॉर्मेटिंग करूं, कुछ भी करूं, तो ये क्या करे, ओवरराइट करेगा। मतलब कि अगर इसे पेस्ट करता हूं तो 20 को 25 से रिप्लेस कर देगा। लेकिन पेस्ट स्पेशल में एक चीज होती है, पेस्ट स्पेशल में आपके पास ऑपरेशन, जैसे कि मैंने ऐड कर दिया, जब मैंने ऐड पे क्लिक किया तो यहां पे क्या ओवरराइट नहीं होगा। अब जहां से कॉपी कर रहे हैं और जहां पे पेस्ट कर रहे हैं उन दोनों के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा, मतलब कि 20 प्लस 25 मिलके ये बन जाएगा आपका 45। तो इसका यूज क्या है, मतलब कि हम ऑफिस में किस तरह से यूज करेंगे, तो इसके कई सारे यूज है। एक सबसे सटीक यूज मैं आपको बताता हूं परसेंटेज का। अगर आपको परसेंटेज में आपको वैल्यू लिखना है, जैसे आपने लिखना है, आपको लिखना है 20%, तो 20 और परसेंटेज का सैंबल आपको देना पड़ेगा। अगर आपने 20 लिख दिया उसके बाद इस परसेंटेज के सैंबल पे क्लिक कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब कि 2000% दिखाएगा। तो अगर खाया तो क्या होता है कि टाइपिंग करते समय ही आपको परसेंटेज लिखना पड़ता है, परसेंटेज का सैंबल देना पड़ता है, या फिर अगर टाइपिंग करने से पहले आप जिस एरिया पे टाइप करना चाहते हो उस एरिया को सेलेक्ट करो और इस पे परसेंटेज का सैंबल अप्लाई कर दो, आफ्टर देन इसमें आप परसेंटेज लिखो, 20 लिखो तो अपने आप परसेंटेज लिख के आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका यह है कि आप डेसिमल्स में लिखो कि 0.20, उसके बाद इस पे आप परसेंटेज का सैंबल अप्लाई करो तो 20% हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि आपके पास एक डेटा आया जहां पे उसने हेडिंग में यहां पे परसेंटेज लिख रखा है कि परसेंटेज, और नीचे जो डेटा आपका है इस तरह का डेटा है आप। अब प्रॉब्लम है कि इसमें आपको एक्सेल में क्या 61 है, तो 61 के लिए आप, लेकिन परसेंटेज में होना चाहिए 0.61 तक का परसेंटेज बनता है इस पे। जैसे परसेंटेज सिंबल के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे इफ मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 6100% दिखा देगा, तो दिक्कत है। तो मुझे यहाँ पे मैनुअली एक एक करके जाके परसेंटेज लगाना पड़ेगा। ये तो चलो कम डेटा है, चलो 10-15 मिनट लगेगा लगा दोगे, लेकिन जहां पे ज्यादा डेटा हुआ वहां पे तो पंगा खड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि इसको सबको 100 से डिवाइड ही करना है ना, मतलब कि अगर ये 0.661 हुआ तो मैं इस पे अगर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करूं तो 61% हो जाएगा, मतलब कि सबको 100 से डिवाइड कर देना है। तो इसके लिए हम किसी अलग सेल पे 100 को लिखेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और एक ही बार में करेंगे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहां पे कर देंगे डिवाइड सेलेक्ट करके देन ओके, ये आपका परसेंटेज में ए डेसिमल्स में आप इसमें परसेंटेज का सिंबल अप्लाई कर लो, सिंपल है। यहां पे अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए तो मान लीजिए कि आपके पास ए यहां पे डेज है, मान लीजिए यहां पे या डे या प्रोडक्ट कुछ भी कर लीजिए, इस तरह से डेज है आप,
और यहाँ पे आपके पास सेल्स आए, मान लो कि सेल्स के फिगर है कि इतनी इतनी क्वांटिटी हमने सेल कर ली है। ठीक है, इतनी इतनी क्वांटिटी हमने सेल कर ली है। अब इसमें यह हुआ कि मान लीजिए कि इस सबों का टारगेट जो था वो 70 था, आपने किसी पर्सन को मेल किया जिसको ये रिपोर्ट भेजते हो, वो बोलता है कि मुझे इसकी क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, आप बताइए सिंपल सा यहाँ पे कि किसने किस दिन कितना परसेंट अचीव किया है, मतलब कि मुझे इससे परसेंटेज चाहिए, मुझे इस पे नहीं चाहिए कि कितना क्वांटिटी कितना है या कितना यूनिट्स है, ये हमें लेना देना इससे नहीं है। मतलब कि हर किसी के आगे अगर मैनुअल फॉलो करोगे तो हर किसी के आगे आप कॉलम इंसर्ट करना है और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होता है, 70 से डिवाइड करना होता है, डिवाइड देन इसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करना, फिर नीचे ड्रैग कीजिए, कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कीजिए ताकि फॉर्मूला रिमूव हो जाए और फिर इसके ऊपर ओवरहेड कर दीजिए। मतलब कि आपको अलग अलग नहीं करना है, इसी को ओवरहेड कर देना है, ये ओवरहेड मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए हम एक ही बार में इसको कॉपी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और सीधे डिवाइड, तो ये क्या करेगा हर किसी नंबर को 70 से डिवाइड कर देगा, देन हम परसेंटेज सिंबल अप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए तो यहां पे क्या है, टारगेट इकट्ठा है सबका, मान लीजिए किसी का टारगेट चेंज हो गया, मतलब कि बोला भैया कि ए मेरा सेल्स है और इसके बगल में हर दिन का हर बंदे का अलग अलग टारगेट हमने दे दिए, मतलब कि आपका टारगेट सबके लिए फिक्स नहीं है, अलग अलग टारगेट है सबके, तो आप एक काम कीजिए इसको आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है आपका सेल्स को, तो यहां ध्यान रखिए जो आपका सीक्वेंस है वो सीक्वेंस यहां पे सेम होना चाहिए, सेम सीक्वेंस होना चाहिए, मतलब कि आपको 38 को 64 से डिवाइड करना है, 65 को 11 से डिवाइड करना है, 74 को 45 से डिवाइड करना है, ऐसे सीक्वेंस नीचे तक जाए, तो आप पूरे टेबल को कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और इसी पे जाइए राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें आप डिवाइड पे क्लिक कर दीजिए, ये क्या करेगा कि पूरे टेबल को उठाएगा और जैसा सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में सबको डिवाइड कर देगा, फिर आप इसमें परसेंटेज अप्लाई कर दीजिए। एक और बेनिफिट है इसके, मान लीजिए जो एक टारगेट आपका दिख रहा है, टारगेट किसी फॉर्मूले से आ रहा है, तो मान लीजिए कि रैंड बिटवीन के फॉर्मूले से आ रहा है, मैनुअल नहीं, तब अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कीजिए गुड्डू, कॉपी कीजिए और इसी के ऊपर सेलेक्ट कीजिए पेस्ट स्पेशल और यहां पर आप कर दीजिए कॉलम यहां पे डिवाइड, तो ये आपके फॉर्मूले को ओवरराइट नहीं करेगा, ये फॉर्मूले के अंदर ब्रैकेट में रख के इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है सर, यहां देखिए कोई डाउट है आप लोगों को, नहीं और ये आपका पेस्ट स्पेशल का यूज था। अब चलिए एक और नई चीज हम यहां पे सीखते हैं,
एक सिंपल सा हम लोगों के ऑफिस में काम होता था कि हमारे पास एक डेटा होता था, तरह से डेटा आता था, हम इसको अपनी क्यूसी टीम को भेजते थे कि इस क्रॉस चेक करने के लिए। क्रॉस चेक करने के लिए भेजते थे अपने क्यूसी टीम को, मान ली सेल्स है कि इसको बताइए कुछ इस पर इंसेंटिव देना है या फिर कुछ क्लाइंट को बिल करना होता था, इसलिए हम अपने कस्टमर इसको टीम को भेजते थे कि इसको क्रॉस चेक करो कि सही है कि नहीं है। तो क्यूसी टीम क्या करती थी, मेरे ओरिजिनल डेटा वो नहीं छेड़छाड़ करती थी, इसी डेटा के सामने जो एग्जैक्ट फिगर होता था उस फिगर को यहाँ पे डाल देते थे कि 42 ने इसका 40 सेल हुआ है, यहाँ पे 20 इसका 25 सेल हुआ है, यहाँ पे इसका 31 सेल हुआ है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट। अब क्या होता था कि मुझे इसको अपडेट करना, चेक करने के बाद इसको अपडेट करना होता था, मतलब कि इसको उठा के इस पे पेस्ट करना होता था, लेकिन जिस जिसमें नंबर है उसी को पेस्ट करना, जो ब्लैंक हो वो ब्लैंक को सही है, उसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इसी को पेस्ट करना है, इसके अलावा किसी और को पेस्ट नहीं करना है। तो प्रॉब्लम होती थी अगर मैं इसको कॉपी करके इसको पेस्ट करूं तो ब्लैंक भी ओवरराइट हो जाएगा, लेकिन ब्लैंक ओवरराइट नहीं करना है, सिर्फ नन ब्लैंक को ही फिल करना है। तो इसके लिए जब अलग अलग तरीके यूज करते थे, कोई इसको फॉर्मूले से करता था, कोई फिल्टर से करता था, लेकिन इसका सिंपल तरीका है कि आप इसको कॉपी कीजिए, कर्सर रखिए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, इसमें आपके पास आता है स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक को सिलेक्ट कीजिए और देन ओके कर दीजिए। स्किप ब्लैंक क्या करेगा कि इस ब्लैंक को कॉपी नहीं करेगा, सिर्फ 30 कॉपी करेगा, 40 कॉपी करके पेस्ट करेगा, 25 कॉपी पेस्ट करेगा, और हमारा ब्लैंक जैसा है वो ब्लैंक को छुएगा नहीं, ताकि हमारा जो बाकी वैल्यू है वो हमारा रिप्लेस नहीं होगा। रिप्लेस नहीं हुआ, जस्ट 30 आया, 30 आया। तो स्किप ब्लैंक का यूज हम लोग करते हैं। तो स्किप ब्लैंक आप लोगों को समझ में आ गया सर? सर स्किप ब्लैंक में क्या होता है सर कि यहां पे आप जो है सिंपल सी बात समझिए ना कि आपके पास जो वैल्यू को अपडेट करना है, आपको हमें इस वैल्यू को अपडेट करना है, मैंने 29 के 30 लिखना है, तो अगर मैं स्किप ब्लैंक यूज ना करूं तो इसको कॉपी करके मुझे इस पे पेस्ट वन बाय वन पेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 5-6 है तो आपको थोड़ी देर में हो जाएगा, लेकिन अगर जहां पे लाखों लाख डेटा हुआ वहां पे तो मुश्किल हो जाएगी। तो उस केस में हम पूरे बी कॉलम को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट लिंक के ऊपर आपके पास होता है पेस्ट एज ए ब्लैंक, पेस्ट एज ए ब्लैंक पे क्लिक कीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो पेस्ट स्किप ब्लैंक में क्लिक करने के बाद क्या हुआ था कि आपका जो ब्लैंक उसको स्किप करेगा, जो वैल्यू था उसी वैल्यू को पेस्ट करेगा जो हमें चाहिए। ठीक है, ओके अब ट्रांसपोज की बात जान लेते हैं। जनरली ट्रांसपोज आप लोगों को आता ही है, एक बार मैं बता देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। जब डेटा हमारा कुछ अलग होता है, मतलब कि वर्टिकल होता है, उसको हॉरिजॉन्टल डालने के लिए हम इसके ट्रांसपोज यूज करते हैं। इस तरह का डेटा है, अगर हम कॉपी करके पेस्ट स्पेशल में जाके हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ट्रांसपोज में क्या होगा कि वर्टिकल आ जाएगा। अगर वर्टिकल है डेटा, उसको हम ट्रांसपोज करते हैं पेस्ट स्पेशल में जाके, तो हमारा हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। तो पेस्ट ट्रांसपोज के पेस्ट से ट्रांसपोज क्या करता है, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल यूज करता है, तो ट्रांसपोज का इसका यूज होता है। अब एक और अच्छी चीज है पेस्ट एज ए लिंक। क्या होता है कि हमारे जो फाइल, हमारे पास जो ये होता है डेटा होता है, यहाँ पे हमारे पास जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में कुछ ऐसी जगह होता है, जैसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपने बनाया, उसमें 10 सीटें हैं, 10 शीट में कोई ऐसा एक डेटा कॉमन होता है जो आपको डालना ही डालना होता है, जैसे लाइक डेट या हेडिंग या समरी, हर शीट पे डालना होता है। तो हम लोग सेल लिंक करते हैं। तो सेल लिंक करने का सिंपल सा उपाय क्या होता है कि हम इक्वल करते हैं और सिलेक्ट करके एंटर मार देते हैं और इसको आगे ड्रैग कर लेते हैं, तो हमारा हो जाता है, आपका लिंक हो जाता है। मतलब लिंक मतलब
कि इस पे जो भी हम टाइप करेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे 12 को 120 किया तो 120 हो जाएगा। एक सेम सीट पे अदर सीट पे अदर फाइल पे सब पे सेम तरीके से करते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि इक्वल प्रेस करने के बाद मुझे पूरा नहीं चाहिए होता है, मतलब कि मुझे जनवरी चाहिए, मार्च चाहिए और मई चाहिए, इस तरह से कुछ अलग अलग चाहिए। तो हमें मैनुअल क्या करना पड़ता है कि एक एक को इस तरह सेलेक्ट करके हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग ले लेते हैं, फिर नीचे जनवरी ले लिया, देन अगेन मैं यहाँ पे मार्च चाहिए तो मार्च लिया, फेब नहीं चाहिए, इस तरह से मैनुअल वर्क हो जाता है। तो उस केस में एक सिंपल सा है कि आप जो जो आपको पेस्ट ऐसे लिंक करना है उसको सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्रेस करके, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल होता है, सिलेक्शन करने के बाद उसको कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद जहां पे पेस्ट करना है वहां पे जाइए, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, पेस्ट एज ए लिंक पे जैसे क्लिक करूंगा ये आपका लिंक बनकर आ जाए। सेम शीट अनदर शीट किसी अदर शीट पे करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए लिंक, यहां भी आपका लिंक हो गया। मतलब कि अब मैं यहां पे जो भी, अगर मैं यहां पे 150 कर दिया तो 150 दोनों जगह पे हो जाएगा, यहां भी होगा और यहां भी होगा। अगर ऐसे आपको 10 जगहों पे डालना है तो एक में कॉपी करके 10 जगहों पे पेस्ट कर लीजिए, एक जगह पे चेंज करेंगे बाकी 9 अपने आप चेंज हो जाएगा। पेस्ट एज ए लिंक आ गया सर, पेस्ट एज ए लिंक समझ में, या रिपीट करूं? ओके, तो पेस्ट एज ए लिंक हमें समझ में आ गया। अब बारी आती है पेस्ट एज ए पिक्चर की। आगे चल के आप लोग डैशबोर्ड बनाओगे तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि हमें कुछ ऐसे डेटा को एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है। एक डेटा, जैसे ये डेटा है, अब इस डेटा को मुझे एक छोटे से एरिया में कहीं दिखाना है, तो अगर हम कॉलम को छोटा करते हैं तो पूरा का पूरा कॉलम छोटा होता है। तो हो सकता है नीचे कोई बड़ा डेटा लिखा हो वो भी छोटा हो जाएगा, इसलिए हमें क्या होता है कि एरिया को ही छोटा करना होता है, जो कि मुश्किल होता है छोटा करना। हम क्या करते हैं, उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद उसको पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। पिक्चर क्या होता है कि सेम जो डेटा आपका होता है उसका पिक्चर बन के आ जाता है, देन उसको हम अपने हिसाब से छोटा कर लेते हैं, ठीक है, और जहां इसको रखना है उसको रख दीजिए, इस तरह छोटा कर लेते हैं। पेस्ट एज ए पिक्चर में दोबारा बताता हूं, आप कॉपी कीजिए जहां पे पेस्ट करना है, जो भी सेम सीट हो डिफरेंट सीट पे भी जा सकते हो, पेस्ट एज ए पिक्चर, यहां पे इस पे पेस्ट पे जाके राइट क्लिक में नहीं आएगा आपको, इस पे नीचे क्लिक कीजिए एज ए पिक्चर, पेस्ट एज ए पिक्चर, और इसको आप छोटा करना चाहते हो छोटा कर लीजिए, बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर लीजिए, अपने हिसाब से जो मूवमेंट करना चाहते हो। तो डैशबोर्ड में इस तरह यूज करते हैं समरी शीट्स में। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब इससे कोई भी चेंजिंग करते हैं, चाहे वो कलर का चेंजिंग हो या फिर कोई डेटा का चेंजिंग हो, तो मेरा पिक्चर अपडेट नहीं होता है। तो आपका अगर पिक्चर का इसका पिक्चर के साथ लिंक करना चाहते हो तो पेस्ट एज ए पिक्चर की जगह पे आप पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दो। पिक्चर लिंक में क्या होता है कि अब मैं यहां पर चाहे फॉर्मेटिंग हो चाहे वो डेटा हो आपका चेंज हो और बाकी पिक्चर की तरह बिहेव करेगा। तो जरूरी नहीं कि आप एक्सेल भी करो, इसको उठा के आप वर्ड पे भी लेके जा सकते हैं, पावर पॉइंट पे, एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में मैं यहां पे पेस्ट की जगह पेस्ट स्पेशल में गया और यहां पे पिक्चर लिंक, पेस्ट एज ए लिंक यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। यहां पे इस भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब मैं जो भी यहां चेंज करूं अपने डेटा के ऊपर, मान लो कि मैंने यहां पे चेंज किया, वर्ड में अपने आप चेंज हो गया। सेम आपने मेल पे इसका यूज कर सकते हो, अगर चेंज नहीं होता है तो राइट क्लिक करके जस्ट अपडेट लिंक कर दीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा। पावर पॉइंट में जब हम लोग पावर पॉइंट के स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं उसमें इसी का यूज करते हैं, इसका हम इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा एक और बेनिफिट है कि मान लो कल के डेट पे डेटा हमारा बढ़ जाता है, डेटा अब जुलाई का भी आ गया। अब यहां पे आपके इसमें डेटा जुलाई का देखिए यहीं पे,
इसमें चेंज नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ है। लेकिन आप ऊपर देखिए इसका एक एड्रेस है, क्या 2027 है। अब इसको 7 को 8 करके एंटर मार दीजिए, देखिए ये अपडेट हो जाएगा। तो फॉर्मूला से रेट चलता है, तो इसको अपडेट भी कर सकते हो इजिली, करना है तो इजिली आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ भी अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको राइट क्लिक करके अपडेट लिंक पे जाना पड़ता है, नहीं एडिट लिंक, और एडिट लिंक में जाइए और दोबारा से इसको वो अलग होता है, इसका अलग होता है, इसके तो फिर मैनुअली डालना पड़ेगा। लिंक पे आ जाए, इसमें आप फाइल सेव नहीं बनाए, ओपन हो जाता है डबल क्लिक करके। ब्रेक लिंक करना चाहते हो मतलब कि हटाना चाहते हो, तो इसको ब्रेक लिंक करो तो हट जाएगा, नॉर्मल फिल हो गया, अब ये लिंक नहीं है। तो इसका यूज हम लोग पावर पॉइंट में ज्यादा करते हैं, पावर पॉइंट में इसके लिए और भी नई चीजें होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है सर। तो पेस्ट स्पेशल आप लोगों को समझ में आ गया, तो आज का जो टॉपिक था पेस्ट स्पेशल था हमारा। कल सैटरडे है और परसों संडे है, तो कल मॉर्निंग में क्लास तो नहीं लूंगा मैं, अगर सैटरडे को तो पॉसिबल ही नहीं क्लास, संडे को मैं आपको इवनिंग में टाइम दे सकता हूँ। ऐसे आप लोग की कोर्स जो है ना मंडे टू फ्राइडे चलेगी, सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। सैटरडे संडे मैं आपको कोई एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दूंगा या फिर कोई होमवर्क दूंगा करने के लिए, लेकिन अभी आपकी एक दो क्लासेज हुई है इसलिए हम आज इस वीकेंड आपको कुछ नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीकेंड से आपको एवरी वीकेंड जो है ना कुछ से कुछ काम मिलेगा जिसको आप वीकेंड में आप करोगे, ठीक है। तो इस वीकेंड में मैं आपको कल शेड्यूल देख के बता दूंगा कि मैं संडे के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम देने वाला हूं तो कब दूंगा मैं, फिर आप लोगों से डिस्कस करूंगा, सुटेबल होगा